एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा कि गॉस थ्योरम क्या होता है। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जगह पर कैसे निकाल सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए हम लोग टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है मनोज पांडे और आप अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ हैं। तो देखिए सबसे पहला एप्लीकेशन बच्चों हम लोग देखेंगे। टोटल हम लोग को यहाँ पर तीन एप्लीकेशन पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। तो एक एक एप्लीकेशन हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में मेरी बात आए, ठीक है। तो देखिए पहला अपना एप्लीकेशन जो है गॉस थ्योरम का, वो है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। यानी अगर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। तो हम लोग एक वायर कंसिडर करेंगे जो यूनिफॉर्मली चार्ज रहेगा। अब उस वायर में जो चार्जेस हैं उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो हमको बताना है बाई यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है। तो चलिए कुछ चीज़ों को हम लोगों ने कंसीडर किया, वो बात मैं लिख दिया हूँ ऑलरेडी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वी कंसीडर अ थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग अ यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी लैम्डा। यानी हम लोग एक यूनिफॉर्मली लॉन्ग थिन वायर लिए हैं जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। दैट मीन्स पर यूनिट लेंथ अगर चार्ज बात करें तो लैम्डा, ऐसे आप समझ सकते हैं कि एक सेंटीमीटर में लैम्डा चार्जेस हैं। ऐसा पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है कि एक यूनिट में इतने चार्जेस हैं। टू डिटरमाइन द फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन चार्ज वी चूज अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर लेंथ एल एंड विद इट्स एक्सिस अलोंग द लाइन चार्ज। देखिए पहले डायग्राम मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको मेरी बात समझ में आए जो मैं बात बताना चाह रहा हूं। देखिए ये हमारे पास एक लॉन्ग वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। देखिए चार्ज डेंसिटी इस तरीके से हमने दिखाई यूनिफॉर्मली, सेम सेम डिस्टेंस पे दिखाने का मतलब कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब देखिए हमको क्या करना है, इस वायर की वजह से इस वायर से आर डिस्टेंस पर, यानी यहाँ पर आर डिस्टेंस देखोगे अगर आप, तो यहाँ से भी यहाँ आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ आ रहा होगा। यानी हमने एक डिस्टेंस ले लिया इस वायर से ऊपर नीचे दोनों तरफ। इस आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा इस लाइन पर हमको बताना है। तो देखिए गॉस थ्योरम ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तो गॉस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ गॉसियन सरफेस के ऊपर ही हम लोग लगा सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर इमेजिन करना पड़ेगा। है नहीं लेकिन हमने इमेजिन किया कि अगर आर डिस्टेंस पर उधर निकाल रहे हैं तो आर डिस्टेंस अगर नीचे लेंगे तो हम लोग क्या करते हैं एक सिलेंडर बना सकते हैं, और सिलेंडर बन जाएगा तो ये 3D हो जाएगा और इस तरीके से यूनिफॉर्म एक हमारे पास स्ट्रक्चर मिल जाएगा और आप इसको गॉस सरफेस बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि गॉस सरफेस का मतलब क्या होता है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी सेम होना चाहिए। तो देखिए ये अगर वायर इसके सेंटर पर है, इस सिलेंडर के एक्सियल पोजीशन पर अगर ये वायर सपोज करो कि आपने रखा हुआ है, तो इसे आर डिस्टेंस पर ऊपर या नीचे अगल बगल आप जिधर भी देखोगे तो हर जगह डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। इस तरीके से हम लोग इसको गॉसियन सरफेस कंसिडर किए। इस गॉसियन सरफेस का जो लेंथ है, यानी ये जो सिलेंडर हमने इमेजिन किया है इसका जो लेंथ है उसको हमने एल माना है, और आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बताना है, और ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। बात समझ में आ रहा है आपको मेरी। अब देखिए ध्यान से कुछ चीज़ों को आपको समझना है। देखिए ऑलरेडी हम लोग पिछले टॉपिक्स में बात कर चुके हैं कि जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या, उसका अलग से वीडियो अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिए। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप मतलब सिलेंडर अगर इमेजिन करें, जैसे पेन को अगर आप सिलेंडर इमेजिन करें तो यहाँ पर टोटल तीन सर्फेस बन रहा है। कैसे तीन बन रहा है, एक ये राउंड वाला बन रहा है और एक इधर वाला बनेगा, वैसे एक इधर वाला अगर आप सपोज करो तो टोटल तीन सरफेस बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए तीनों सरफेस का नेमिंग मैं कर दिया हूँ। ये जो कर्व सरफेस है उसको हम लोग क्या मान लिए हैं, S1 है। ये इधर वाला जो फ्लैट सरफेस है सर्कुलर जो रहेगा इस साइड का वो S2 और इधर वाला S3 है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है। तो यहाँ पर देखिए एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो हियर, एंड ऑल्सो हियर द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 90 डिग्री। कैसे होगा देखो ध्यान से, सरफेस ये है तो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरीके से यहाँ का एंगल 90 बनेगा, सिमिलरली यहाँ का भी एंगल 90 बनेगा। यानी इन तीनों कर्व सरफेस के वजह से अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा हमको नेट हमको बताना रहेगा। अब ध्यान से देखिए एंगल्स में लिख दिया हूँ ऑलरेडी, S1 यानी इस पर आपका 0 डिग्री बन रहा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, इन दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल है, इन दोनों के बीच 90, इन दोनों के बीच 90। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप पॉज करके नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए जो बात मैं बताने जा रहा हूँ आगे, अब देखिए आगे की प्रोसेस को हम लोग कैसे लिखेंगे। देयर फॉर ओनली कर्व सर्फेस कंट्रीब्यूट टोटल फ्लक्स, भाई समझ में आ गया होगा क्यों कर्व सर्फेस बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो फ्लैट सर्फेस दोनों तरफ का था सिलेंडर में, उसके वजह से जहां पर एंगल 90 बन रहा था, वहां पर हमको कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एंगल 90 डिग्री और कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पढ़ चुके हो, फाई क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। अब देखिए यहाँ पर जो फ्लक्स हमको तीनों सरफेस के वजह से मिलने वाला था, तो हम लोग इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं डिटेल में ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर ई डॉट डीएस, तो ये तो सिंगल सरफेस के लिए यहाँ पर सिलेंडर हमने कंसीडर किया, तो टोटल तीन सरफेस मिला, एक एस वन, एक एस टू, एक एस थ्री। तो हम लोग इसको तीन पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर लिए, ई डॉट डीएस वन, ई डॉट डीएस टू, वैसे ई डॉट एस थ्री। समझ में आ रहा है? अब देखिए अब आप वैल्यूज रखते जाइए, वैसे यहाँ पर फार्मूले में कॉस थीटा भी होता है, क्योंकि कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ। लेकिन अगर आप इन तीनों की जगह आप कॉस कॉस लगा दो, क्योंकि एक्चुअल में जो बीटा फार्मूला होता है वो फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस कॉस थीटा होता है। समझ में आ रहा है? चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए अब एंगल रखते जाइए तीनों सरफेस की वजह से, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जीरो रखना है, क्योंकि एस वन के साथ एरिया वेक्टर कितना था, जीरो एंगल था, यहाँ पर 90 था, यहाँ पर 90 था। अब देखिए कॉस 90 का वैल्यू जीरो होगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। उसी बात को यहाँ पर हमने लिखा था कि देयर फॉर ओनली कर्व सर्फेस कंट्रीब्यूट द टोटल फ्लक्स। समझ में आ रहा है? तो ये तो आपका पूरा जीरो हो गया। अब आपके पास नेट क्या बचा, फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई एस वन इंटू कॉस जीरो का वैल्यू वन, और ये आपको जीरो जीरो हो गया। दैट मीन्स एक्चुअल में देखोगे तो फाइव इज इक्वल टू ई, अब देखिए ई यहाँ पर हमने बाहर कर लिया, क्यों, क्योंकि अब आपको इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, सबसे पहले कॉन्स्टेंट को बाहर करते हैं और वेरिएबल का इंटीग्रेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर, क्योंकि चार्जेस वहाँ पर फिक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स होगा, तो ई को हमने बाहर किया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ एस वन। अब देखिए एस वन मतलब क्या हुआ, हमने जो इमेजिनरी सिलेंडर माना था उसका कर्व सरफेस एरिया, और आपको पता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला 2πRh होता है, लेकिन यहाँ पर h वहाँ पर हाइट बोलते हैं, यहाँ पर हमने उसके h की जगह भाई लेंथ l ले लिया है, इसलिए हमने 2πRl लिख दिया। तो देखिए ये e अपने जगह पर है, और ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ s1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लोज, देखिए इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि पूरा सर्फेस का एरिया, तो सिलेंडर का सर्फेस का एरिया क्या होता है, 2πRl होता है। तो इस तरीके से आपका जो फाइ ई का वैल्यू आया बच्चों, वो ई क्रॉस 2πRl, इसको हमने इक्वेशन नंबर वन ले लिया। समझ में आ रहा है बात? आप देखिए आगे का बात, अभी हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि हमने माना भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, हमने मान लिया भाई पर यूनिट लेंथ जो चार्जेस हैं वायर पर, जो हमने वायर कंसीडर किया है वो कितना है, लैम्डा है। अब देखिए अगर पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो टोटल लेंथ हमने कितना लिया है भाई वायर का, एल, एल वायर का लेंथ लिया ना, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, हमने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिया, लेकिन उसको गॉसियन सरफेस बनाने के लिए उसमें एल लेंथ को हमने काटा, तो पर यूनिट लेंथ चार्ज लैम्डा है, तो एल में कितना हो जाएगा, एल से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो आप ऐसे समझ लो कि अगर एक सेंटीमीटर में 10 चार्ज हैं, तो 100 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 100 इंटू 10 कर दोगे, यानी 1000 हो जाएंगे ना। तो पर यूनिट लेंथ पता है, तो टोटल लेंथ निकालने के लिए आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो टोटल चार्ज हैं इस सिलेंडर में इनक्लोज, वो लैम्डा इंटू एल है। समझ में आ रहा है बात? अब आगे समझते हैं। अब देखिए गॉस थ्योरम हम लोग क्या पढ़े थे, गॉस थ्योरम याद है भाई, गॉस थ्योरम क्या बताता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इनक्लोज है वो सरफेस में, वो बताता है। तो हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा था, आप रिकॉल करिए कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसके इक्वल होता है, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, मतलब जितने नेट चार्ज इनक्लोज है उस सरफेस में, अगर उसका वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो नेट फ्लक्स के बराबर हो जाता है। दैट मीन्स फाइ इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका गॉस थ्योरम बताता है। अब देखिए क्यू का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया, लैम्डा इन टू एल, तो क्या इस क्यू की जगह ये वाला वैल्यू का पुट अप कर सकते हो, तो इसलिए हमने लिखा देयर फोर फाइ इज इक्वल टू क्यू की जगह रख लीजिए लैम्डा इन टू एल और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन नंबर टू मान लिए। अब देखिए नॉर्मल तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला उसी सिलेंडर का, तो इतना आया, गॉस थ्योरम के हिसाब से निकाला तो इतना आया, तो हम लोगों ने तो दोनों जो है एक ही सिलेंडर के लिए निकाला है, तो ये भी फाई ई का वैल्यू, ये भी फाई का वैल्यू है, तो क्या ये दोनों का अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू से इन दोनों को इक्वेट कर दिए, दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई बराबर
टू पाई आर एल से यहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एल एल कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ ऊपर में क्या बचा लैम्डा, नीचे टू पाई आर और एप्साइलन नॉट। तो इस तरीके से देखेंगे अगर आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपके पास क्या आया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है, यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू चेंज होगा क्या, नहीं होगा भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी वायर का पहले से फिक्स है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तीनों कांस्टेंट है, तो बच गया आर, और आर क्या है, ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा जब आर घटेगा, या आप ऐसा बोल सकते हो, हियर फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट, उस बात को मैं लिखा भी हूँ, मैं इसको पढ़ के समझा देता हूँ, दस इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर फ्रॉम द लीनियर चार्ज, यानी अगर आर का वैल्यू घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। वैसे भी आप समझ सकते हो भाई, अगर वायर से आप जितना ज़्यादा दूर जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, और जितना ज़्यादा नज़दीक जाते जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से बाय यूजिंग गॉस थ्योरम आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकाल सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और नोट्स भी आपको पसंद आया होगा। ये सारे नोट्स अगर आप चाहें तो हमारे ब्लॉग mrmanojpandey.com पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो, ये सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।